सो गाइस ये है अपनी एकेडमी। खाली एक घंटा निकालो, पता चल जाएगा कि कितने बड़े फाइटर। खाली एक घंटा, अभी ये कि हम एक घंटा करते हैं पर हम फुल पेस पे जाते हैं। फुल पेस मतलब हम रेसलिंग कर रहे हैं तो पूरा 100% देंगे उसमें। एक घंटे तक हमें रुकना नहीं है बिल्कुल भी। और ये एक मॉन्स्टर की तरह है, लाइक मिनी मॉन्स्टर। दूसरी मुझे थार पसंद थी तो मैंने थार ली थी। खैर मुझे नेक्स्ट गाड़ी जो लेनी है, पहले इसका इंजन गर्म होता है एटलीस्ट 10 सेकंड तक, जब तक यहाँ पर रेड लाइट नहीं आएगी तब तक ये स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद 6 बजे के बाद फाइटर्स बैच। तो जैसे कल एमएमए की स्पारिंग थी, आज रेसलिंग की स्पारिंग है, क्योंकि रेसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1 घंटे की ट्रेनिंग है बट बहुत इंटेंस थी, लाइक 5-5 मिनट के 4 राउंड रेसलिंग के, स्पारिंग के। दूसरा होता है कि पार्ट टाइम जॉब। देखो पार्ट टाइम जॉब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि मैं आपको ढूंढ के। एक है बस सर, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज ये ब्लॉग होगा पूरा एकेडमी के बारे में। एकेडमी टूर हो गया और ट्रेनिंग सिस्टम हो गया, फीस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। लाइक काफ़ी मैसेज आते हैं कि ट्रेनिंग सिस्टम क्या है लाइक, और कई बार मैं बताता हूँ तो उन्हें समझ नहीं आता है, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कोई मुझे पूछेगा कॉफ़ी एंड पेस्ट। सो काफ़ी टाइम हो गया वैसे में गए हुए एकेडमी, लेकिन इसमें जाने का अलग मज़ा है। एक गैंगस्टर वाली फील आती है, अब जा रहे हो फ्लाई कर रहे हो, है ना? क्यों विंटेज गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो पैसा ही पैसा हो रहा मेरे पास। फॉक ये कब गिराया मैंने। लॉ प्रोटेक्शन। सो ये जब से मैंने लिया है तब से मैंने ये साफ नहीं कराई एक्चुअली। अभी मैंने 2 महीने पहले ली थी ये, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा एक्चुअली। उसके बाद मेरी फ़ाइट हो गई थी एंड देन मुझे उसमें जाना पड़ा पूरा कैंप में। खैर दिल्ली में ऐसी गाड़ियां नहीं चलती है, वहां ऐसा होता है कि 10 साल से ऊपर गाड़ियां अलाउड नहीं है। अभी उत्तराखंड में ये सीन है, अभी इसे पीछे रख देता हूँ अगर इन केस बारिश हुई तो। अपना बैग, एक्चुअली ये 1991 की गाड़ी है, 1991। तो पहले गाड़ियाँ वॉर के लिए बनती थी, 1945 से स्टार्ट हुई थी, आई मीन ऐसी गाड़ियाँ। सो ये वर्ल्ड वॉर 1 में तो यूज़ नहीं था, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद काफ़ी सारी गाड़ियाँ बच गई थी, तो ये गाड़ियाँ फिर सिविलियंस के लिए जाने लग गए। तो पहले ये वॉर के लिए होती थी क्योंकि ये हल्की थी। इसमें जो इंजन है वो 2200 cc का है, आई थिंक 2200 या 2000। पर इसकी खास बात यह है कि इसमें सब कुछ ओरिजिनल है, यू नो एवरीथिंग। अब ये चीज़ बहुत टाइट है इसमें, ये बहुत टाइट है इसमें, काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। इसका इंजन देखो ऐसा गर्म होता है, पहले इसका इंजन गर्म होता है एटलीस्ट 10 सेकंड तक, जब तक यहाँ पर रेड लाइट नहीं आएगी तब तक ये स्टार्ट नहीं होता है। पहले यहाँ पर रेड लाइट आएगी फिर स्टार्ट होगा। तो पहले इसका इंजन गर्म होता है। सो देखो इसमें भी 4x4 है, ये रेड हो चुकी है। अभी आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है बट जो भी है। अभी क्या हो रहा है, इसका एक बैक गियर काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है तो मुझे दोनों हाथों से ताकत लगानी पड़ती है। अब तो आगे वाले तो सही हैं लेकिन पीछे वाला बहुत भी। खैर इस बार तो हो गया। इसके टायर भी पतले वाले हैं, ऐसे मोटे टायर नहीं लगा सकता मैं क्योंकि इसका एवरेज बहुत ज़्यादा कम है। और फिर इसका जो स्टेयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लाइक देख रहे हो ना आप, हाथ बिल्कुल बुरे हाल हो जाते हैं हाथों के। सो इसमें हॉर्न, खैर हॉर्न इसमें आगे के लिए बजता है इससे, और लाइटें इसमें ऐसे खुलती है, पूरा खोलना पड़ता है। देन उसके बाद
लाइटें जलती हैं इसमें। मुझे पुरानी गाड़ियों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ही ज़्यादा। और ये एक मॉन्स्टर की तरह है, लाइक मिनी मॉन्स्टर। दूसरी मुझे थार पसंद थी तो मैंने थार ली थी। खैर मुझे नेक्स्ट गाड़ी जो लेनी है, मुझे लेनी है कॉन्टेसा 92 की या 93 की, तो जब मैं पैदा हुआ था उससे पहले की है। इसमें बैठने का अलग मज़ा आता है। इससे बैठो, पंजाबी गाने लगाओ और चलो फिर। इसको मैं एक हाथ से नहीं चला सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट है इसका। तो मुझे एक वीडियो बनाने के लिए एक बंदा मिल गया अपना। पकड़ो कैमरा। फुल गैंगस्टर शिट होगा आज, आज ऐसे ही इंस्पायरिंग है ना। सो गाइस ये अपनी एकेडमी। सो चार्जेस आज रेसलिंग की स्पारिंग है हमारी। जो हमारा रूटीन होता है वो थोड़ा सा टाइगर मोए थे इंस्पायर्ड है। और ये लास्ट टाइम वहाँ थे तो हमने जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग देखा था वो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ लगाने की। मतलब इनके हिसाब से चलना पड़ता है, सबके हिसाब से, बेसिक्स बिगनर्स एडवांस के हिसाब से। सो गाइस ये अकेडमी है आपका राणा प्लाजा पे टॉप फ्लोर पे। इनके हिसाब देहरादून में या फिर बाहर से आ रहे हो। और बाकी चार्जेस हो गया ये सब मैं आपको बताता हूँ अभी। सो गाइस आज है रेसलिंग की स्पारिंग। तो हमारे इवनिंग मॉर्निंग में दो बैच चलते हैं, एक इंटरमीडिएट बैच चलता है 7 से 8 मॉर्निंग में, एंड देन 8 बजे के बाद फाइटर्स बैच, देन शाम को 5 से 6 इंटरमीडिएट बैच, उसके बाद 6 बजे के बाद फाइटर्स बैच। तो जैसे कल एमएमए की स्पारिंग थी, आज रेसलिंग की स्पारिंग है क्योंकि रेसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा रूटीन होता है, अभी बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग सुबह को, लेकिन शाम को एक रूटीन चलता है एमएमए स्पारिंग रेसलिंग स्पारिंग। वेडनेसडे को स्पीड वर्क, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको फाइटर बनना ही है तो उसको इस बैच पर आना है, वो इंटरमीडिएट बैच पा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है उनके लिए क्योंकि वहाँ बेसिक से शुरुआत होती है। सो मंथली चार्जेस हैं यहाँ 7500, सॉरी नॉट मंथली, एक्चुअली 3 महीने की फीस हम एक साथ लेते हैं यहाँ पर, जो है 7500 रुपये। फाइटर्स 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि मोस्टली जिम में क्या होता है कि 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है फाइटर्स की, यहाँ ऐसा नहीं है, प्रॉपर सिस्टम चलता है रेसलिंग से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस कैसे जाना है। तो 3 फाइटर बैच हैं यहाँ पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 वाले हैं जो प्रोफेशनल फाइटर हैं या फिर जो प्रोफेशनल बनने वाले हैं, देन लेवल 2 जो सेमी एडवांस है, जिनको एटलीस्ट यहाँ 1 साल या 1.5 साल हो चुका है या 6 महीने हो चुके हैं, और या फिर इनको मतलब काफ़ी कुछ पता है गेम्स के बारे में। फिर है लेवल 3। लेवल 3 में जो बिगनर्स हैं बिल्कुल, जो अभी नए आए हैं। और पर ऐसा नहीं है अगर कोई लेवल 3 में कोई नया बंदा आता है जो ऑलरेडी MMA फाइटर है, जिसको बेसिक्स पता हैं सारे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो डायरेक्ट लेवल 2 पर जा सकता है। और लेवल 1 में जाने के लिए काफ़ी दिक्कत है। दिगंबर सागर ये लेवल 1 में, साहिल अभिषेक मोहित मैं लेवल 1 में, यश लेवल 1 में, फिर लेवल 2 जयंत जय मलयाल सोहित ये लोग लेवल 2 में। सो अभी रेसलिंग का वार्म अप है, देन स्पारिंग, उसके बाद स्ट्रेचिंग, देन फ्री वर्क, देन कल स्पीड वर्क, देन परसों शाम को रेसलिंग की स्पारिंग, देन फ्राइडे शाम को MMA की स्पारिंग, एंड देन सैटरडे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग।
मैं कह रहा हूँ कि टाइगर मुआई थाई इज़ लाइक यू नो मैं इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन हमने कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पर वो फाइटर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना बेसिक सबका स्ट्रॉन्ग है नहीं, कंडीशनिंग हो गया, कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है पहले। सो गाइस चार्जेस, पहले जो मेरे चार्जेस थे वो 2500 थे, जहाँ मैं पहले था वहाँ का रेंट था 20,000, यहाँ का रेंट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके चार गुना है, तो इसलिए हमें फीस एक साथ लेनी पड़ती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है दिगंबर सिंह रावत, जैसा आप लोग जानते होंगे मैं एक प्रोफेशनल फाइटर हूँ। तो अभी हमारी रेसलिंग की स्पारिंग हुई है, तो बाकी डिटेल हम लड़कों से लेंगे, पूछते हैं उनको क्या है क्या नहीं। सो करण कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो कैसा लग रहा है नया जिम? अरे नया तो बहुत अच्छा है यार, बड़ा पेस हो गया ना धीरज धीरज आ गया। और जैसे कि यहाँ फीस का थोड़ा सा चेंज हुआ है, फीस कितनी है क्या है उसके बारे में डिटेल, क्योंकि बहुत से बंदे जानना चाहते हैं कि कैसी फीस है, क्या है, सही है नहीं है। अरे फीस तो सेम ही है, जो 3 मंथ का ज़्यादा देना है ना, जो 1 मंथ का 2500 था वो 3 मंथ का 7 में देना, फ़र्क कोई नहीं, सबसे ज़्यादा सस्ता यहाँ पे। और
ट्रेनिंग भी अच्छी होती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, और यहाँ ट्रेनिंग भी दो टाइम होता है और बाहर के जिम में बस एक ही टाइम होता है ट्रेनिंग, वो भी एक घंटे में। हाँ, एक घंटे में थोड़ा किया वार्म अप जैसा करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे खाली एक घंटा निकालो पता चल जाएगा कि कितने बड़े फाइटर खाली एक घंटा। आपको कैसा लगा? मेरे को यहाँ 7-8 से 9 महीने हो चुके हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह किया था अकेडमीज के बारे में ना, तो देहरादून में और भी कई अकेडमीज थी पर वो सिर्फ 5-5-6 हज़ार रुपये फीस थी, सिर्फ एक एक घंटा कराते थे, उसमें भी स्टूडेंट पे इतना ध्यान नहीं देते थे। और अंगद सर के बारे में जानते ही इतने थे सब, मतलब जो एमए में जानता है उनको अंगद सर के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आया, यहाँ पे अकेडमी मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो इंडिया में इससे अच्छी ट्रेनिंग मुझे और नहीं लगता कि कहीं होती होगी। अपना सभी शेड्यूल चेंज हुआ है, पहले हम शाम को ज़्यादा करते थे, अभी एक घंटा हो गया, तो वो कैसा लग रहा है आपको? वो चेंजेस जो चेंजेस हुए वो कैसे लग रहे हैं आपको? अरे चेंज ये अच्छा है, क्योंकि पहले अकेडमी में आप लोग भी थे, सो अभी कैसा लग रहा है? घंटा होता था तो ये हार्डवर्क ज़्यादा होता था, अभी इससे ज़्यादा हो गया, स्मार्ट हो रहा है और टेक्निक ज़्यादा हो रही है ना इस बार। अभी एक घंटे में जो 3 घंटे हो रहा था वो 1 घंटे में ट्रेनिंग हो रही है पूरी, और वो भी टेक्निक के साथ अच्छा। ओके, और शेड्यूल कैसा लगा? सब बढ़िया है, पहले से ज़्यादा टेक्निकल हो गई ना सारी चीज़ें, पहले कम टेक्निक होती थी तो वहाँ, अरे वो स्पेस भी कम थी, अब स्पेस ज़्यादा है ना पूरी, और तो सब सही है। कन्हैया जी, जी कहाँ से हो आप? मैं तो अयोध्या से। बताइए कुछ नया नए शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल के बारे में, जिम के बारे में, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। हाँ, के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। नए शेड्यूल में मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि सब कुछ सिस्टमेटिक है, और हफ्ते में स्पारिंग की जो रेपिटेशन है वो ज़्यादा हो गई है। पहले हम लोग हफ्ते में वेंसडे और सैटरडे 2 टाइम स्पारिंग करते थे, अब लगभग हर रोज़ स्पारिंग हो रही है। किकबॉक्सिंग की 2 स्पारिंग है, रेसलिंग की 2 स्पारिंग है, जुजुत्सु की 2 स्पारिंग है और एमएमए की भी 2 स्पारिंग है, तो हफ्ते में 8 बार स्पारिंग हो जा रही है। और इतनी फीस में इंडिया में मुझे नहीं लगता और कहीं इतनी ट्रेनिंग होती होगी जितनी यहाँ पर होती है। और बाकी अकेडमी में स्पेस बढ़ गया है, इक्विपमेंट ज़्यादा है, मैट ज़्यादा है, सेफ्टी, फाइटर्स की सेफ्टी पर अब ध्यान है सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें नई हैं। अभी चलते हैं वर्कआउट किंग, वर्कआउट किंग काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं क्रिकेट में, तो मैं बस ये पूछूंगा कि नया शेड्यूल बनाया हमारा, तो वो शेड्यूल में क्या कहना चाहेंगे आप? शेड्यूल काफ़ी अच्छा है, अभी काफ़ी ट्रेनिंग लिमिटेड है पर काफ़ी अच्छा है। लाइक एक दिन हम सुबह बॉक्सिंग करते हैं, फिर शाम को हमें स्पायरिंग, फिर आज जैसे हमने सुबह जुत्सु करा था, रोलिंग करी थी पूरी, उससे पहले ड्रिल्स करी थी, और अभी भी हमने रेसलिंग स्पारिंग करी है, उससे थोड़ी देर पहले ड्रिल्स करा था, तो अच्छा शेड्यूल है और रेस्ट भी है बीच में, वेडनेसडे को शाम को ऑफ होता है फिर, तो बॉडी को रिकवरी भी अच्छी मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी ऐसा है कि हम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आउटपुट दे सकते हैं। और अकेडमी भी बड़ी हो गई है काफ़ी, तो मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग करने में। अभी चलते हैं हमारे नन्हे मुल्ले, सो नए शेड्यूल के बारे में, जो चेंजमेंट हुआ है नई अकेडमी के बारे में, कुछ व्यूज अच्छा बुरा? बहुत अच्छा हो गया, जब मैं पुरानी अकेडमी में आया था मैं भी, और थोड़ी छोटी थी वो, पर अभी बड़ी अकेडमी, हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, ज़्यादा फाइटर्स हैं, तो हमें फ़ाइट के लिए भी हेल्प हो रही है सबकी, सागर की फ़ाइट या किसी की भी हो, तो ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा लोग, ज़्यादा ग्रीन। जैसे पहले हम शाम को ज़्यादा ट्रेनिंग करते थे, दो ढाई घंटे करते, अभी वो बस 1 घंटा ट्रेनिंग होती है, हार्ड होती है बस 1 घंटा होती है, तो उसके बारे में आपका क्या है? मतलब वो भी ठीक था एक तरीके से देखा जाए, उसमें भी हम बहुत हार्ड वर्क करते थे, बट अभी ये है कि हम 1 घंटा करते हैं पर हम फुल पेस पे जाते हैं, फुल पेस मतलब हम रेसलिंग कर रहे हैं तो पूरा 100% देंगे उसमें, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक हमें रुकना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी, ना कुछ बात होगी ना कुछ होगा उसमें, सिर्फ 1 घंटा पेस, अच्छी ट्रेनिंग हो रही है 1 घंटे की भी, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा था, सब अच्छा है। कौन मकर सागर थापा, कैसा लग रहा स्पारिंग के बाद? आज रेसलिंग थी, तो ये सवाल तो मैं सबसे पूछूंगा कि देखो 1 घंटे की ट्रेनिंग है बट बहुत इंटेंस थी, लाइक 5-5 मिनट के 4 राउंड रेसलिंग के स्पारिंग के, तो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग थी, तो जैसे लंबी ट्रेनिंग होती है तो हम धीरे धीरे करके एक लेवल बढ़ाते हैं, बट 1 घंटे में बहुत इंटेंस कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। टाइम टेबल चलते हैं किसी और, अभी चलते हैं नीरज जी, शायद पहले कहीं और ट्रेनिंग करते थे, अभी म्यूटेंट में आए, तो नीरज हेलो हाय, सो कैसा लगा आपको चलने पहले ये अकेडमी? बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ एक्चुअली सुबह शाम ट्रेनिंग होती है मेरे पास, हमारे पास जैसे मैं फाइटर्स बैच में आता हूँ, शाम में 6-7 भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और सुबह भी ट्रेनिंग करता हूँ, दोनों टाइम ट्रेनिंग करता हूँ,
और यहाँ काफ़ी सारे फाइटर्स जैसे हमारे देख पा रहे हैं 40-50 फाइटर्स हैं, बाहर से हैं, काफ़ी दूर दूर से हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर वगैरह हैं, तो उनसे ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। अंगद सर है, सर भैया के साथ मिलता है मौका, और भी काफ़ी हमारे MFN के फाइटर्स हैं, प्रो फाइटर्स, एमेचर फाइटर्स, 40 से ज़्यादा फाइटर्स टोटल, 50 से ज़्यादा। सवालों के पास। हेलो, मेरा नाम अर्जुन राठी है। तो कैसा लगा आपको सेटअप नया का? नए कैडी तो बढ़िया है एकदम, पहले से ज़्यादा स्पेस है, पहले कम स्पेस थी पर फाइटर ज़्यादा थे, अब स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फाइटर यहाँ पर ट्रेन करते हैं, एटमॉस्फेयर भी बढ़िया है। यहाँ की फीस 7,000 है पर ट्रेनिंग लाखों की है, ऐसी ट्रेनिंग लोग बाहर जाके लाखों रुपये खर्च करके ट्रेनिंग लेते हैं, पर यहाँ पर हमें इतने कम में मिल रहे हैं, तो सब बढ़िया है। और कुछ आप? और यहाँ पे मतलब सर ने सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, स्पेस यहाँ पे बहुत बड़ा है, और सर ने यहाँ पे LED लगा रखी है ताकि हम बीच बीच में मैच देख सकें और एक्सपीरियंस ले सकें। सर ने यहाँ पे वॉश भी पानी के लिए दो वॉशरूम है हमारे पास, और सर खुद बाहर से ट्रेनिंग करके आए हैं, और सर यहाँ पे हमें इस टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो सच में इनवैल्यूएबल है, और बाहर का एटमॉस्फेयर जो यहाँ का है पूरा इंसान बाहर जाके एकदम रिलैक्स हो जाता है, ठंडा भी पूरा है, तो बहुत अच्छा लगता है इतने सारे फाइटर्स के साथ ट्रेन करके। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, दिमाग पे जीरो एकदम, सब बढ़िया है एकदम। और MMA में जाने के लिए, MMA में कोई भी जाता है तो उससे पहले इंसान ये प्रेफर करता है कि उसका या तो मुआय थाई, रेसलिंग, बॉक्सिंग या फिर किक बॉक्सिंग, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड हो, मतलब किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, तो MMA में उसको एडवांटेज मिलता है। पर यहाँ पे म्यूटेंट MMA अकेडमी में हमें सब कुछ एक ही रूफ के अंदर मिलता है, हमें यहाँ पे सर रेसलिंग भी सिखाते हैं, मुआय थाई, किक बॉक्सिंग, जुजुत्सु सब सिखाते हैं सर यहाँ पे। तो सर कुछ नेक्स्ट डोर के बारे में, अकेडमी के बारे में, या फीस के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ रिव्यू? म्यूटेंट MMA अकेडमी है आजकल, जैसे कि सब जानते हैं कि म्यूटेंट MMA अकेडमी पूरी इंडिया में छा रखी है, और इसे ऊपर किया है अंगद बिश ने, जो मतलब जिन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब दिखाया है कि MMA आगे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से इसमें हम अपना मतलब फैमिली बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हम मतलब टकरा रहे थे तो मतलब स्पेस कम पड़ने की वजह से प्रॉपर टैकलिंग भी नहीं हो पा रही थी, फिर भीड़ ज़्यादा हो गई, अब यहाँ पे स्पेस भी अच्छा है, फिर ऊपर से यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, और फाइटर्स बड़े भी हैं, मज़ा आता है, अब बाहर से जैसे फाइटर्स आते हैं तो उनके साथ भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पता नीरज सीक्रेट ट्रेनिंग करता है घर पे, फुल अप भयंकर हो गया था कहीं पर भी, अब वहाँ जा रहे हो तुम लॉन्ग डिस्टेंस पे आके रखे? नहीं सर, स्प्रिंट मार दो रात को बहुत लीन हो रहा है भाई, लीन कितना हो रहा है, शोल्डर ऊपर आ रहा है इसके, कुछ फर्स्ट टाइम नहीं सर, कितना ही खा लो, हाँ फर्स्ट टाइम नहीं है, कितना ही खा लो, इसकी मैच देखी सर कैसे एकदम डीमन शेप आ रहा है, वो है यूरी हनुमा, यूरी हनुमा तुम क्या हो बाकी। सो गाइस, ये है अपनी एकेडमी, और मतलब जो हमारी पुरानी एकेडमी थी वो काफ़ी छोटी थी इससे, तो वहाँ काफ़ी सफोकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें थी, एंड देन फिर यू नो एक वाइब ज़रूरी होती है जब मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ शिफ्ट किया था अभी एकेडमी। तो अभी जैसे यहाँ TV हो गया, अभी हम यहाँ पर एक मिनी कैफ़े खोलने का सोच रहे हैं, इट्स लाइक फॉर फाइटर्स, और साथ साथ मूवीज़ यू नो TV और ट्रेनिंग, इस तरीके से एक पूरा माहौल मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताता हूँ, ये है कि कई लड़के आते हैं बोलते हैं कि यहाँ पर हमें PG नहीं है, तो पास में आपको PG मिल सकता है, यहाँ पास में जैसे MR टावर के पास में PG है, या फिर आप रूम लेके रह सकते हो। और दूसरा होता है कि पार्ट टाइम जॉब, देखो पार्ट टाइम जॉब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि मैं आपको ढूंढ के, वो आपका खुद का होगा कि आप खुद जाओ पार्ट टाइम जॉब ढूंढो। और जो भी लोग कह रहे हैं कि यार यू नो मेरे पास ये नहीं है, मेरे घर में सिचुएशन ख़राब है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये सुन के, क्योंकि अपना माइंड सेट इतना वीक मत करो। यहाँ काफ़ी ऐसे लड़के हैं कि जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, शुभम हो गया, विकास हो गया, काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं एंड देन अपनी ट्रेनिंग करते हैं, राइट। एक लड़का है यहाँ जो रात को ट्रेनिंग करता है, रात को जॉब करता है ना, ऐसे लड़के भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करें, तुम्हारे घर वाले सपोर्ट क्यों करेंगे, ये तुम्हारा सपना है, खुद पूरा करो, अगर सपोर्ट नहीं है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और अच्छी बात है, ऐसे में ड्राइव और बढ़ जाती है। अगर लाइफ में कुछ मुश्किल ही नहीं हो तो मैं मुंह के सामने मिल गया तो तब नहीं होता है। अभी तक मैंने पता क्या सोचा था, अपना एम मैंने क्या रखा था, मैं जो था मैं खुद की ज़मीन लूँगा, एक बड़ा सा जिम बनाऊँगा, बट अब मैंने पता क्या एम रखा है, मैं एक पूरा कस्बा ही बनाऊँगा, एक साला बात ख़त्म है, पूरा टाउन ही बनाऊँगा एक, जहाँ फाइटर्स ही फाइटर्स हो, और फाइटर्स की ट्रेनिंग, खाने का, वाइब्स, फाइटिंग, मतलब
जहाँ फाइट हो रही है प्रॉपर, आज नहीं तो कल 10 साल बाद 15 साल बाद, बट ये मैंने अपना एक ड्रीम रख दिया कि एक कस्बे में आऊँगा, एक टाउन, फाइटिंग टाउन। तो प्रॉपर स्विमिंग पूल, तो ऐसा सीन होना चाहिए कि नीरज उठ रहा है, रनिंग देख रहा है, रात को रनिंग कर रहा है, तो अर्जुन भी वहाँ रनिंग कर रहा है, नीरज कह रहा है अरे अर्जुन। क्योंकि जब मैं थाईलैंड में था तो जब हम रनिंग करते थे, मैं देख रहा है रात को लोग भाग रहे हैं, बूढ़े लड़कियाँ, इतना पॉजिटिव वाइब आती थी उनसे, तो वही मैं सोच रहा मैं यहाँ करूँगा। मान लो तक 2-3 किलोमीटर ले लेंगे, है ना, पैसे कम पड़ेंगे तो नीरज अपने घर के कागज। ऐसा करूँगा पहले, जो मैं अभी कर रहा हूँ। अब ये हो गया, मेरा नेक्स्ट गोल यही है, एटलीस्ट अगर एक ज़मीन नहीं तो इतनी बड़ी ज़मीन लाऊँगा कि वहाँ एटलीस्ट 2-3 जिम खोलूँ मैं, एक प्रॉपर जिम, प्रॉपर वहाँ बाहर से आने के लोगों का रहने का, और यहाँ से नहीं, अब रुपयों में नहीं कमाना, अब कमाना डॉलर्स में। कि बाहर के लोग यहाँ आए ट्रेनिंग करने, ऐसा होना चाहिए। बेकार है, लेवल 3 वाले हैं जो हल्की सी बारिश आई है कहते हैं सर मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास रेनकोट नहीं था, तो और लेवल 3 है बिगिनर्स वाले, जिनको जैसे साइड माउंट नहीं आता है, टेक डाउन प्रॉपर शूट करना नहीं आता है, प्रॉपर जैब नहीं आता है, तो जिनको बेसिक्स नहीं आता है एमएमए का, वो लेवल 3 में। और इसके अलावा मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो लेवल 3 में जो कोई फाइटर है, कोई अच्छा फाइटर है जिसके बेसिक अच्छा, तो वो डायरेक्ट लेवल 2 में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। बट लेवल 3 का मतलब होता है कि आपका पूरा एमएमए आपका आना चाहिए, लाइक जिस से लेकर रेसिंग से लेकर एंट्री रेसिंग से लेकर एवरीथिंग, स्ट्राइकिंग से लेकर किक बॉक्सिंग से लेकर, अगर आपको किक मान नहीं आता हो तो एटलीस्ट आपको किक चेक करने आती हो, तो लेवल 3 का ये मतलब है। देन वो लेके लेवल 2 में, तो लेवल 2 वालों की फ़ाइट मैं सोचता हूँ कि फ़ाइट कराऊँ, लेवल 3 वालों की फ़ाइट नहीं कराऊँगा मैं, क्योंकि ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है जो मैंने रियलाइज़ किया अभी। क्योंकि लड़के वहाँ जाते हैं और मतलब कंपटीशन देते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन उनकी वो परफॉर्मेंस रहती है जो लेवल 2 वालों की रहती है। देन मैंने हाल ही में डिसाइड किया है कि सिर्फ लेवल 2 वाले वही फाइट करेंगे, अभी लेवल 3 वाले नहीं करेंगे फाइट। एंड कई मोटिवेशन भी चाहिए होता है, डेडिकेशन भी चाहिए, तो अगर आप असली डेडिकेटेड हो तो आप लेवल 3 में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब यही होता है कि लेवल 1 लेवल 2 उधर ट्रेनिंग करते रहते हैं एडवांस, और लेवल 3 वाले इधर ट्रेनिंग करते रहते हैं। सो गाइस, मैंने फीस का आपको बता दिया है, आपको मैंने सिस्टम का बता दिया कि कैसे ट्रेनिंग होती है, कितने कितने बजे ट्रेनिंग होती है, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कहीं भी अब कोई नेक्स्ट टाइम मुझे कोई पूछता है तो मैं आपको डायरेक्ट ये वीडियो सेंड कर दूँगा, क्योंकि बताने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और बहुत ही बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो अगर आपको आपके अंदर कन्फ्यूज़न है, आप जस्ट कम हेयर, आप डेमो ले सकते हो एक दिन का। जो भी फिटनेस वाले हैं देहरादून की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये बेस्ट है आपके लिए। अगर आप यहाँ एक महीना आप सर्वाइव कर रहे हो तो आपका कैरेक्टर बहुत तगड़ा बन सकता है। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जैसे जय मलयाल हो गए, एक सॉफ्ट किट समझ रहे हो ना आप, वो सॉफ्ट किट का मतलब है जिनको घर वालों ने हमेशा सब कुछ दिया है, यू नो आई मीन जय मलयाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो कहीं यहाँ सॉफ्ट बच्चे आते हैं, तो पर धीरे धीरे करके जो कंसिस्टेंसी हो गया, जो लड़ाई हो गया, पंच खाना हो गया, इंड्योर करना हो गया, टेक्निक सीखना हो गया, तो 1 या 1.5 महीने बाद उनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है इन चीज़ों से, कंसिस्टेंसी से। तो मैं हर किसी को यही बताऊंगा कि इवन आपके बच्चे हो गया या छोटे बच्चे हो गए 14-15 साल के या कोई भी है, आप उसे इनरोल कराओ मिक्स मास्टर में, चाहे लड़कियां हो, क्योंकि ये बेस्ट है। और अगर मैं फिटनेस की बात भी कर रहा हूँ, देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिटनेस इज़ ऑल अबाउट कार्डियो, अगर आपके अंदर कार्डियो स्ट्रांग नहीं है आप फिट नहीं हो। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। से लड़के क्या करते हैं, कहीं अकेडमी में जाते हैं और उनका जो कोचेज होते हैं, देखो राइट, अगर आपको आपका कोचेज को ये नहीं पता कि साइड माउंट स्केप कैसे करते हैं, जैब मारते हुए राइट हैंड ऊपर रख रहे हैं, अगर आप विद इन 1 वीक आप अपर कट लेफ्ट हुक सब सीख रहे हो, गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं इस अकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी अच्छी अकेडमी ज्वाइन करो, इंडिया में आप काफ़ी अच्छी अच्छी अकेडमीज आ रही है, बट ये मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। ये अपने बंदे तो जो एड्रेस है यहाँ पर है राणा प्लाजा टॉप फ्लोर नियर अम्बी वाला गुरुद्वारा, थोड़ा पास में गुरुद्वारा है, और ये जो रोड है ये 6 नंबर पुलिया वाली रोड है, इसे रिंग रोड भी कहते हैं। आगे पे नेहरू कॉलोनी है, फाउंडिंग चौक। सो इन फ्यूचर अगर कोई भी अगर बाहर से अगर आ रहा है तो रेलवे स्टेशन से आप यहाँ आ सकते हो डायरेक्ट, लाइक ऑटो या विक्रम बुक करा के, एंड देन यहाँ से आप पास में पीजी पड़ जाता है कई बार, आप यहाँ रह सकते हो। और जो देहरादून क्या उन्हें पता ही है, और ना जस्ट फाइटर, अगर मैं वही कहता हूँ कि अगर एज आप कुछ भी करते हो लाइफ में, अगर आप फर्स्ट एड हो, गाइस ट्राई टू कम हियर मैन, आई मीन
आपको आना चाहिए। बाय बाय।